हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रॉब्लम सेट 16। तो देखिए, प्रॉब्लम सेट 16 में फर्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या दिया है। फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज टू अ स्कूल, द रिमेनिंग अमाउंट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सिक्स स्टूडेंट्स एज द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। तो देखिए, प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या दिया है कि जो भी यहाँ पे पर्सन है ना, उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं वो हमें देखना है कि टोटल रुपीज उनके पास कितने थे, 10,000 थे। उसमें से उन्होंने स्कूल को डोनेट कितना किया है, तो 7,000 जो है डोनेट किया। उसके बाद जो है रिमेनिंग अमाउंट, मीन्स 10,000 में से 7,000 डोनेट करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट थी, उसे उन्होंने क्या किया है, सिक्स स्टूडेंट्स जो थे, ऑल राउंड स्टूडेंट का जो प्राइस था वो उन्होंने सिक्स स्टूडेंट्स में इक्वली क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमें निकालना क्या है कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइस। तो जो सिक्स स्टूडेंट्स थे उनको जो प्राइस दिया गया था, तो हर एक स्टूडेंट्स को प्राइस के लिए कितनी अमाउंट दी थी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल अमाउंट कितनी है, तो वो हमें लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें रिमेनिंग अमाउंट पता नहीं है। ये जो रिमेनिंग अमाउंट है जो उन्होंने सिक्स स्टूडेंट्स को दी है, उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा कि टोटल अमाउंट में से डोनेट कितना किया तो हमें रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट है 10,000, उसके बाद उन्होंने डोनेट कितना किया, डोनेटेड 7,000। तो अगर ये माइनस करेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा कि जो रिमेनिंग अमाउंट थी जो उन्होंने सिक्स स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट की थी वो मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल में से ये जो उन्होंने डोनेट किया इसको हम माइनस करेंगे। तो 10,000 माइनस 7,000 करना है, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0। 0 से 7 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे बोरो करना होगा, 1 बनेगा 0, ये 10, 10 माइनस 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे 3,000 रुपीज हमें क्या मिलेगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट थी उनकी वो मिलेगी। उसके बाद हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइस। तो हर एक स्टूडेंट के लिए प्राइस के लिए उन्होंने कितनी अमाउंट दी वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट थी उनकी 3,000 वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की सिक्स स्टूडेंट्स में, तो सिक्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें एक स्टूडेंट के लिए कितना प्राइस का अमाउंट था वो मिल जाएगा। तो 6 5 का क्या आएगा, 30, 0 माइनस 0, 0, 3 माइनस 3, 0। नेक्स्ट नंबर अगर 0 है फिर भी हम उसे नीचे लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो 6 जीरोज आ, जैसे कि हम टेबल स्टार्ट करते हैं 0 से कि 6 जीरोज आ 0, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट अगेन 0 है फिर भी उसे यहाँ पे हमें लिखना ही है और 6 जीरोज आ 0 करना होगा, तो आंसर तो यहाँ पे 0 ही आएगा। यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, 500, मीन्स ईच स्टूडेंट के लिए पर स्टूडेंट जो भी उन्होंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कितना होगा, 500 रुपीज होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ प्राइस पर स्टूडेंट निकालना था, इसके लिए पर स्टूडेंट वॉज 500 रुपीज। सेकेंड प्रॉब्लम हमें दिया है, एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक, इफ 11,450 रुपीज वेर स्पेंट फॉर द पिकनिक, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट ओवर। तो देखिए हमें प्रॉब्लम में यहाँ पे दिया क्या है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स है, और हर एक से कितने रुपीज दिए गए हैं, 260 रुपीज दिए गए हैं। तो जो भी उनका टोटल अमाउंट आया होगा 50 स्टूडेंट्स का, तो उसमें से जो है 11,450 रुपीज जो है स्पेंड हुए किसके ऊपर, पिकनिक के लिए स्पेंड किए गए हैं, तो लेफ्ट ओवर, तो उसमें से कितने रुपीज बचे हैं वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे कितने हैं, 50 स्टूडेंट, तो 50 स्टूडेंट्स से पर स्टूडेंट 260 रुपीज लिए हैं, तो उनकी अमाउंट कितनी है वो तो हमें पता नहीं है कि उसमें से इतने रुपीज उन्होंने क्या किए हैं, यूज किए पिकनिक के लिए, लेकिन वो टोटल अमाउंट कितनी है वो तो हमें पता नहीं। तो सबसे पहले तो वो हमें निकालनी है कि अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट कितने हैं, 260 रुपीज। ईच स्टूडेंट का जो भी उन्होंने पेड किया था रुपीज फॉर पिकनिक वो कितना है, 260 रुपीज, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आप लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं तो वो है 50 स्टूडेंट्स। तो इन्होंने जो भी अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट की थी वो कितनी है, पहले तो हमें वो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 260 इंटू क्या करेंगे, 50 स्टूडेंट्स के, 50 स्टूडेंट्स ने पर स्टूडेंट्स ने 260 रुपीज देके कितने अमाउंट किए हैं, तो
जीरो जीरो जा जीरो, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आंसर जीरो ही आता है, तो जीरो सिक्स जा जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा। नेक्स्ट टेन प्लस से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ही जीरो लिखेंगे। फाइव जीरो जा जीरो, फाइव सिक्स जा थर्टी, जीरो कैरी ओवर होगा थ्री, फाइव टू जा टेन, टेन प्लस थ्री थर्टीन, तो आंसर क्या आएगा जीरो जीरो जीरो, मीन्स क्या आएगा थर्टीन थाउजेंड। थर्टीन थाउजेंड क्या रुपीज, इतनी टोटल अमाउंट उन्होंने क्या की है पिकनिक के लिए कलेक्ट की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि उन्होंने उसमें से 11,450 रुपीज स्पेंड किए पिकनिक के लिए, तो लेफ्ट ओवर कितने बचे, तो टोटल अमाउंट क्या है पिकनिक के लिए वो हम लिखेंगे यहाँ पे, टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितनी कलेक्ट हुई है तो वो है 13,000। उसमें से उन्होंने स्पेंड कितनी की है तो 11,450, इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 11,450, ये क्या है स्पेंड की है, स्पेंड फॉर पिकनिक, इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितने लेफ्ट ओवर बचे हैं। तो जीरो माइनस जीरो, अभी जीरो से फाइव माइनस नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा नेक्स्ट नंबर से हम बोरो करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है तो इसके पास भी कुछ नहीं है तो हमें फिर से बोरो करना होगा थ्री से, तो थ्री बनेगा टू, ये जीरो बनेगा टेन, तो टेन में से हम क्या करेंगे यहाँ पे एक लेंगे तो ये नाइन बनेगा और ये जो जीरो है वो टेन बनेगा। अभी हम माइनस कर सकते हैं टेन से, टेन माइनस फाइव क्या होगा फाइव, नाइन माइनस फोर फाइव, टू माइनस वन वन, वन माइनस वन जीरो, तो कितने बचेंगे 1550 क्या दिए हमें, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट ओवर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1550 रुपीज लेफ्ट ओवर। थर्ड प्रॉब्लम हमें दिया है, अ शॉपकीपर बॉट अ सैक ऑफ 50 केजी ऑफ शुगर फॉर 1750 रुपीज, एज द प्राइस ऑफ शुगर फेल ही हैड टू सेल इट एट द रेट ऑफ 32 रुपीज पर केजी, या फिर पर किलो कह सकते हैं। How much less money did he get than he had spent? तो जो shopkeeper है उसने क्या किया है, sugar की एक जो sack ली 50 kg थी उसके लिए उसे कितनी amount लगी है, तो 1750 rupees। तो जैसे ही sugar के जो भी price थी वो कम हो जाती है तो उसने क्या किया है per kg 32 rupees उसने अपने sugar बेची है, तो यहाँ पे उसको क्या होगा loss ही होगा कि less money उसे मिलेंगे क्योंकि sugar की जो price थी वो यहाँ पे क्या हुई है कम हुई है, इसके लिए उसे जो भी मनी मिलेंगे वो कम ही मिलेंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ही गेट दैन, हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट दैन ही हैड स्पेंड, तो जो उसने मनी स्पेंड किए थे शुगर की सैक खरीदने के लिए उससे उसे कम पैसे मिले, लेकिन कितने कम मिले वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो सैक है उसका वेट कितना है 50 केजी, तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सैक कितना है तो 50 केजी है, उसके लिए कितना अमाउंट उसे लगा है, कितने पैसे उसने स्पेंड किए हैं, तो वो है 1750 रुपीस। नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि उसने 32 रुपीस पर केजी उसको बेचा है, मींस यही होगा कि वेट यही आएगा 50 केजी, कि 50 केजी शुगर उसने पर केजी 32 रुपीस से बेची है, उसे कितने अमाउंट मिलेगी वो हमें पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 0 0, 2 5 10, और यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, 3 0 0, 3 5 15, तो जो टोटल अमाउंट उसे मिली है पहले तो उसे हम निकालेंगे, तो 0 0 0 इसे ऐड करना है, 1 plus 5 6 1, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 1600 या फिर 1600 जो है टोटल अमाउंट क्या की थी उसने, ये कौन सी उसने बेचने के बाद 32 पर केजी से जब शुगर बेची तो इतनी अमाउंट उसे मिली है। अभी हमें क्या दिया है कि उसने कितने स्पेंड किए थे, शॉपकीपर स्पेंड कितना स्पेंड किया है उसने 1750, और उसे मिले कितने हैं तो 1600, तो हमें क्या निकालना है कि उसे कितने मनी लेस मींस कम मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जो भी अमाउंट उसने स्पेंड किया था उसमें से हम माइनस करेंगे जो भी अमाउंट उसे मिली है, तो 1600 माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1 0, तो कितने रुपीस कम मिले उसे 150 रुपीस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं he got 150 रुपीस less than he spent, means क्या
कि जितने उसने स्पेंड किए थे उसमें से उसे कितने 150 रुपीज उससे क्या मिले हैं, लेस में कम मिले हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दिया है, अ शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर्स एट द रेट ऑफ 1870 रुपीज पर कुकर, ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल 14230 रुपीज, डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंट। तो देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया है 7 कुकर्स खरीदे हैं और पर कुकर की जो कीमत है वो कितनी है 1870 रुपीज है और उन्हीं कुकर को उसने सोल्ड किया है मीन्स बेचा है, उसकी कीमत हमें दी है 14230 रुपीज। तो उस शॉपकीपर को मीन्स कितने मनी मिले, लेस मिले या फिर मोर मिले, जितने में उसने खरीदा था उससे उसे ज्यादा पैसे मिले या फिर कम मिले वो हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि उसने कुकर कितने खरीदे हैं, तो नंबर ऑफ कुकर कितने हैं, नंबर ऑफ कुकर्स हैं 7 और पर कुकर रेट दिया है हमें, पर कुकर रेट क्या है 1870। तो हमें यहाँ पे पहले क्या निकालना है कि 7 कुकर्स की अमाउंट कितनी आएगी, टोटल अमाउंट अगर हम पर कुकर का रेट जो है 1870 लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए 1870 रुपीज इंटू 7 करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि उसने स्पेंड कितने किए हैं मनी, वो हमें पहले निकालना है। तो 7 0 0 0, 7 7 49, 9 कैरी होगा 4, 7 8 56 56 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 16, तो 0 लिखेंगे कैरी होगा 6, 7 1 7 7 प्लस 6 करेंगे तो आंसर आएगा 13। तो उसने जो भी अमाउंट स्पेंड किया था ये आएगा स्पेंड, जो भी उसने स्पेंड किया था। उसके बाद हमें क्या दिया है कि उसने वही कुकर जो थे 7 कुकर्स को बेचा, सोल्ड किया कितने में, तो 14230। तो सोल्ड जो किया था उसकी अमाउंट क्या आई है 14230। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि उसे लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, मीन्स लेस मनी मिले या फिर मोर मनी मिले। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो भी यहाँ पे हमें रकम दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे जो भी उसने बेचा है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे क्या 13090 रुपीज, इसको हमें माइनस करना होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसे यहाँ पे फायदा हुआ है या फिर नुकसान और कितने से हुआ है। तो 0 माइनस 0 3 माइनस 9 होगा क्या, नहीं, यहाँ से 12 करेंगे 11 बनेगा, ये 13 में से 9 कट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 4 आएगा। उसके बाद 1 माइनस 0 करेंगे 1, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 0। देखिए उसे फायदा हुआ है यहाँ पे क्योंकि उसने सोल्ड खरीदे 14230 में और उसने खरीदे थे 13000 में, तो यहाँ पे फायदा हुआ है ये तो हमें समझ में आया, और कितना फायदा हुआ 1114। तो यहाँ पे लिखेंगे ही गॉट 1140 रुपीज मोर देन ही स्पेंड, जितने उसने स्पेंड किए थे कुकर खरीदने के लिए उससे ज्यादा रुपीज उसे यहाँ पे मिले 1140। प्रॉब्लम नंबर 5 है, 14 फैमिलीज इन अ सोसाइटी टुगेदर बॉट 8 सैक्स ऑफ व्हीट ईच वेइंग 98 किलोस, इफ दे शेयर्ड ऑल द व्हीट इक्वली व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली। तो देखिए हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है कि 14 फैमिलीज है, उन्होंने क्या किया सबने एक साथ जो है 8 सैक्स ली है व्हीट की, जो कि एक जो सैक है उसका कितना वेट दिया है 98, तो 98 के ऐसे उन्होंने कितने सैक्स लिए हैं तो 8 सैक्स लिए हैं, तो जो टोटल वहाँ पे व्हीट होगा उसको उन्होंने शेयर किया है सब फैमिलीज के साथ। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली, जो हर एक फैमिली को मीन्स कितने फैमिली है, टोटल फैमिलीज कितने हैं 14 फैमिलीज है, तो 14 फैमिलीज को हर एक फैमिली को कितने केजी व्हीट मिले वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए कि यहाँ पे सैक्स कितने हैं, टोटल सैक्स, तो टोटल सैक्स है 8 और केजी पर केजी दिया है, मीन्स एक जो सैक है उसमें कितने किलोज है 98, तो वन सैक का जो वेट हमें दिया है वो कितना है 98 केजी दिया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो 98 किलो से हमने अगर 8 सैक्स लिए है तो टोटल जो वेट था वो कितना था वो हमें निकालना होगा। तो क्या करेंगे 98 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 8 जा 64, तो 4 कैरी ओवर होगा 6,
एट नाइन जा 72, 72 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 78 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो देखिए 784 क्या होगा, ये केजी आएगा, कितनी मीन्स जो भी वेट था वो वेट कितना होगा कि 784 केजी आएगा। नेक्स्ट हमें दिया है कि 14 जो फैमिलीज है उन्होंने क्या किया है, इक्वली आपस में बांट लिया है। तो हमें क्या करना होगा कि एक फैमिली को कितना वेट मिला है ये निकालना है। तो जो टोटल केजी है 784 जो है टोटल केजी है, इसको डिवाइड करेंगे हम जितने फैमिलीज है उससे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा कि एक फैमिली को उतना वेट जो है केजी जो वेट होगा वो मिलेगा। तो देखिए 14 फाइव अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 70 आएगा। तो 8 माइनस 0 करेंगे तो 8 आएगा, 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है 4, तो यहाँ पे आएगा 84। तो 14 सिक्स क्या आएगा 84, ये आएगा 0 0। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें 56। तो 56 क्या है, के जी वीट है कि 14 जो फैमिलीज है उसमें से हर एक फैमिली को कितने के जी वीट्स मिलेंगे, तो 56 के जी वीट मिलेगा। लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, द कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर्स, देयर आर 16 फैमिलीज लिविंग इन द बिल्डिंग, इफ ईच फैमिली यूजेस 225 लीटर एवरी डे, विल द टैंक फिल टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज, इफ नॉट व्हाट विल द डेली शॉर्टफॉल बी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो बिल्डिंग है वहाँ की जो टैंक है उसमें पानी कितना है, मीन्स उसकी कैपेसिटी कितनी है 3000 लीटर की, मीन्स उस टैंक में सिर्फ 3000 लीटर ही पानी भर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, वहाँ पे 16 फैमिलीज है, उस बिल्डिंग में कितने फैमिलीज है 16 फैमिलीज है, जो कि हर एक फैमिली ईच फैमिली मीन्स हर एक फैमिली कितना पानी यूज करती है, तो 225 लीटर पानी यूज करती है। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि जो भी टैंक में पानी फिल किया हुआ है मीन्स 3000 लीटर जो पानी है वो सारे फैमिलीज के लिए इनफ है या नहीं है, वो हमें निकालना है। अगर इनफ नहीं है तो शॉर्टफॉल कितना होता है, मीन्स कितना पानी उन्हें कम पड़ता है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि हर एक फैमिली जो 225 लीटर पानी यूज करती है, मीन्स 16 फैमिलीज के लिए कितना पानी लगेगा वो पहले हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज, तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 16, एंड वो यूज कर कितना करती है 225, तो 225 क्या है डेली यूज है उनका, वाटर यूज पर डे, पर डे इतना वाटर वो यूज करते हैं, इनटू क्या है कितनी फैमिलीज है 16 फैमिलीज है, 6 5 जा 30, 0 कैरी ओवर होगा 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 50, 5 कैरी ओवर होगा 1, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 30। नेक्स्ट है 10 प्लस से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे 0 देंगे, 1 इनटू 5 5 2, 1 इनटू 2 2, ये क्या है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। और ये क्या आएगा जो भी हम एडिशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें एडिशन करना है, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 0 आएगा कैरी ओवर 1 होगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 2 3। तो ये क्या है नीडेड वाटर है, उनकी जरूरत इतनी है, नीडेड वाटर कितना है तो 3600, लेकिन अवेलेबल वाटर कितना है उस टैंक में 3000 है, मीन्स ये पानी जो है उनको क्या पड़ेगा कम पड़ेगा, कितने से कम होगा वो हमें निकालना है कि नीडेड वाटर कितना है उनके लिए 3600, ये उनके लिए नीडेड है, इतना पानी उन्हें चाहिए, लेकिन वहाँ पे कैपेसिटी कितने की है या फिर पानी अवेलेबल कितना है 3000, अवेलेबल वाटर पानी उतना अवेलेबल है, तो कितना पानी उन्हें कम पड़ेगा यहाँ पे या फिर शॉर्टफॉल कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टफॉल, वाटर का शॉर्टफॉल कितना होगा, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 3 0, तो 600 लीटर जो पानी है उनके लिए कम होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, विल द टैंक फिल टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज, तो जो भी पानी वहाँ पे है वो उनके लिए इनफ है या नहीं है, तो इनफ नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा और कितना डेली का शॉर्टफॉल होगा, तो 600 क्या होगा शॉर्टफॉल होगा। हम सेंटेंस लिख सकते हैं डेली शॉर्टफॉल विल बी कितना है, कितना पानी कम पड़ेगा उनको 600।